एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो कॉमा पाई टू म्यू अपॉन एल वी रो कॉमा जी एल अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो और कॉन्स्टेंट। अब बस ये इक्वेशन लिख दो जैसे तुम्हारी मर्जी, एफ अपॉन एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो इसको एक तरफ रख दो, बाकी सबको उधर भेज दो, फंक्शन को एफ लिखो या फाइव लिखो तो भी चलेगा, म्यू अपॉन एल वी रो जी एल अपॉन वी स्क्वायर और लास्ट में इस तरफ अकेला एफ रखो, वन अपॉन एल स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो फंक्शन ऑफ म्यू एल वी रो जी एल अपॉन वी स्क्वायर। नाउ दिस इज फाइनल आंसर। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बोला था ना, ये आगे खत्म हो गया, समित्र ही था। लिखते हैं नेक्स्ट सम। पावर रिक्वायर्ड बाय अ पंप is function of discharge Q, comma head H, viscosity mu, density rho, diameter D, speed n capital N, full stop. Obtain the following relation equation दिया है, P equal to rho n cube d raised to 5 function of q upon n d cube h by d mu upon rho n d square। अब देखो कुछ ट्रिक्स बताता हूं तुमको जो कुछ पता करने में काम आएंगे। ओके, पहले बेसिक काम कर लेते हैं, कितने टर्म्स हैं इसमें, सिर्फ ऐसा एक दो तीन नहीं गिना, डायरेक्टली लिख लेना पी रो एन डी एच क्यू म्यू 7, ओके 7, एन इक्वल टू 7, हाँ पावर का डायमेंशन
वाट्स, वाट्स जूल पर सेकंड, मतलब न्यूटन मीटर पर सेकंड, एम एल टी माइनस टू न्यूटन, मीटर मतलब एल, पर सेकंड टी माइनस वन, मतलब बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। डेंसिटी एम एल माइनस थ्री। स्पीड आर पी एम टी माइनस वन एल। डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड एल थ्री टी माइनस वन, या भी लिखा था एम एल माइनस वन टी माइनस वन। एम एल टी तीनों आ रहे, मतलब सुनेंगे जरा सा सुनेंगे, छोटा एम इक्वल टू थ्री। ओके, नंबर ऑफ पाई टर्म्स एन माइनस एम, सेवन माइनस थ्री इक्वल टू फोर। तो वो जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एफ ऑफ पी रो एन डी एच क्यू म्यू इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट, या इसी को एफ ऑफ पाई वन पाई टू पाई थ्री पाई फोर इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट। ओके, देन अब डिसाइड करेंगे कि कैप्टन किसको लेना है। पहला ज्योमेट्री वाला, डायमीटर भी है और एच भी है, डायमीटर। तो इक्वेशन दिया है तो मैंने तुमको बोला पहचान सकते हम, पहले तुम बता दो फिर बोलता हूं कैसे पहचानना है डायमीटर सपोज। हाँ, दूसरा फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम। वेलोसिटी है क्या? नहीं है, अगर एंड लिया। तीसरा रो। अब देखो कैसे पहचानना था, तुम ये सब कुछ किए बिना पहचान सकते थे कि इसमें चार पाए आने वाले हैं करके। ओके, देखो ये टर्म एक्चुअली यहां पे डिवाइड होता, एक पाई टर्म, दूसरा पाई टर्म कॉमा, तीसरा पाई टर्म कॉमा, चौथा पाई टर्म, चार पाई टर्म है, समझ में आता है? ओके, अब चारों पाई टर्म में कॉमन चीजें कौन कौन है वो देखो। ओके, डी 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 डी, सब में डी दिखाई दे रहा है, मतलब डी आना ही चाहिए था, एच नहीं लेना चाहिए था, किसको लेना चाहिए था? डी को लेना चाहिए था, समझ में आया? दूसरा इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसके में नहीं है, इसमें है, सब में एन आ रहा है, इसका मतलब सेकंड रिपीटिंग वेरिएबल एन लेना चाहिए था। इसमें भी रो है, इसमें नहीं आता रहेगा, इसमें भी रो है, तो तीसरा रिपीटिंग वेरिएबल कौन होना चाहिए था? रो होना चाहिए था, समझा क्या? ठीक है, ये बहुत काम की चीज, बहुत काम की चीज। ठीक, अब पाई वन, हाँ चार पाई में से एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, तीन तुम लोग करेंगे। ओके, अब पाई वन सपोज लिखा डी रेस टू एक्स वन, एन रेस टू वाई वन, रो रेस टू जेड वन। सपोज मैंने यहां पे लिखा एच, ओके सपोज मैंने लिखा एच, सुनेंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एल एक्स वन टी माइनस वन वाई वन, एम एल माइनस थ्री जेड वन, और ये एल। हाँ, एम के लिए जीरो इक्वल टू जीरो, एल के लिए एक्स वन माइनस थ्री जेड वन प्लस वन, जेड वन तो जीरो है, मतलब एक्स वन मिला मुझे माइनस वन। टी के लिए जीरो इक्वल टू माइनस वाई वन, कोई नहीं, मतलब तीनों को उठा के पुट कर दिया पाई वन में, तो पाई वन क्या मिलेगा अभी? डी रेस टू माइनस वन जीरो जीरो, तो ये क्या मिला आया आया। अब इसका शॉर्टकट सुनो, इसका शॉर्टकट था, इतना करने की जरूरत नहीं थी, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे बाय ऑब्जर्वेशन पाई वन इक्वल टू एच बाय टी। ओके, बाय ऑब्जर्वेशन कैसे, जो हम ये
लिख रहे हैं रिपीटिंग वेरिएबल, इसके बाद जो मैंने लिखा h, अगर इसका डायमेंशन इन तीनों में से किसी के डायमेंशन से अगर मैच हो जाए तो हम डायरेक्टली लिख सकते बाय ऑब्जर्वेशन. ओके, इसका डायमेंशन क्या था? l, और ये मैच हो रहा है किसके साथ? d के साथ. ओके, तब हमको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. डायरेक्टली हम लिख सकते थे ये जो चौथा टर्म लिखा है वो अपॉन जिससे वो मैच हुआ वो खत्म. उम्मीद है समझा? ठीक है, नहीं समझा, मैंने कुछ बोला नहीं, तुमने कुछ सुना नहीं, बकिंगहम का स्टैंडर्ड प्रोसीजर. ओके, अब जब पाई टू पाई थ्री पाई फोर लोगे तो ऐसा एक कोई भी पैरामीटर नहीं है जो मैच करता है, वो चुपचाप से सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, कम ऑन सॉल्व. और अगर इक्वेशन दिया है ना, अब अगर तुमने सॉल्व किया और तुम्हारा पाई टू अगर इनमें से किसी से मैच नहीं कर रहा है, हेंस वी गेट. ओके, इसलिए बोला इक्वेशन दिया है तो फिर तो आंसर लाने से हमको कोई नहीं रोक सकता.
कुछ आया पाई टू? मैच किया कि नहीं बचे हुए तीनों के साथ? किया ना, मतलब आया कि जबरदस्ती किया? आया है ना। बराबर एक पाई तुम्हारा आया रहेगा, मान लो अगर पाई टू है तो वो बराबर आया रहेगा पी अपॉन रो एन क्यूब डी रेस टू फाइव पाई थ्री, वो आया रहेगा बराबर म्यू अपॉन रो एन डी स्क्वायर, और पाई फोर क्यू अपॉन एन डी क्यूब बराबर आता है। कुछ मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं मैंने, तुमको ही करना है सर। नहीं आ रहा? चारों आ गए, चारों को उठा के पुट करो इसमें और लेफ्ट राइट करके हेंस वी गेट। ठीक है, अच्छा है कि नहीं चैप्टर? कोई फार्मूला नहीं, देखो कोई फार्मूला है क्या? कुछ भी नथिंग, पूरा चैप्टर ऐसा ही है। अगर चारो हुआ क्या सबका? चलो जरा स्पीड बढ़ाओ। पूरे चारों पाए आने के बाद सीधा लिख देने का नहीं है, ईमानदारी से लिखो एफ ऑफ पी अपॉन रो एन क्यूब डी रेस टू फाइव एच बाई डी क्यू अपॉन एन डी क्यूब म्यू अपॉन रो एन डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो और कॉन्स्टेंट। फिर उसके बाद इसको एक तरफ रखो, बाकियों को एक तरफ भेजो और फिर इसको अकेले को ऐसा, इतना काम करना है सिस्टमैटिक। वो ना लिखता है नेक्स्ट सम। मिलेगा मिलेगा हुम्बम भी मिलेगा। आज बी वालों को फेयरवेल पार्टी दिया जा रहा है आज,
जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में है, हर साल उनको पार्टी यहीं पे दिया जाता है, इस बार पहली बार होटल में पार्टी रखा है उन लोगों के लिए। लिखते हैं द एफिशिएंसी द एफिशिएंसी ईटा, एफिशिएंसी एफिशिएंसी का साइन ईटा ऑफ अ फैन, द एफिशिएंसी ईटा ऑफ अ फैन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रो, विस्कोसिटी म्यू, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डायमीटर डी एंड डिस्चार्ज क्यू। ऑब्टेन एक्सप्रेशन इटा इक्वल टू फंक्शन ऑफ म्यू अपॉन रो ओमेगा डी स्क्वायर कॉमा क्यू अपॉन ओमेगा डी क्यूब। सुनेंगे इस सब में तुमको और एक शॉर्टकट, पिछले सब में एक शॉर्टकट बताया, अब और एक शॉर्टकट। ओके टर्म्स कितने हैं, एफिशिएंसी म्यू रो ओमेगा डी क्यू, इसको तो कोई डायमेंशन नहीं है। म्यू एम एल माइनस वन टी माइनस वन, डेंसिटी एम एल माइनस थ्री, ओमेगा रेडियन पर सेकंड, मतलब बचा सिर्फ ये एल, और ये मीटर क्यूब पर सेकंड मतलब एल थ्री टी माइनस वन। तो एम एल टी तीनों आ रहे हैं, मतलब एम इक्वल टू थ्री एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स सिक्स। तो पाई टर्म्स थ्री, एफ ऑफ पाई वन पाई टू पाई थ्री जीरो और कॉन्स्टेंट। रिपीटिंग वेरिएबल सुनेंगे सुनेंगे जरा सा, रिपीटिंग वेरिएबल ज्योमेट्री यहां से दिख रहा था कि तीन बनने वाले हैं, एक ये पाई टर्म, ये दूसरा तीसरा, तो दिख रहा है डी आता है करके, देन ओमेगा ओमेगा है, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी आरपीएम बोला था तो ओमेगा। ओके नाउ पाई वन इक्वल टू डी रेस टू एक्स वन, ओमेगा रेस टू वाई वन, रो रेस टू जेड वन, सपोज मैंने लिया ईटा। ओके हाँ एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एल रेस टू एक्स वन, टी माइनस वन रेस टू वाई वन, एम एल माइनस थ्री रेस टू जेड वन, और ये बेचारा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। एम के लिए हाँ जीरो इक्वल टू एक्स वन, सॉरी एम के लिए हाँ जेड वन माइनस जेड वन कहाँ से, सिर्फ जेड वन ना, और ये तो जीरो है। हाँ एल के लिए हाँ जीरो एक्स वन तो जेड वन भी जीरो, एक्स वन भी जीरो, टी के लिए माइनस वाई वन वो भी जीरो, देयर फोर पाई वन इक्वल टू क्या मिल रहा है, डी रेस टू जीरो ओमेगा रेस टू जीरो रो रेस टू जीरो ईटा, देयर फोर पाई वन इक्वल टू ईटा। इतना नहीं करने का लिखने का बाय,
डायमेंशनलेस था ना वो, तो डायरेक्टली लिखने का था पाई वन इक्वल टू एटा, डायमेंशनलेस था ना वो। मान लो किसी समय अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आया एस, तो किसी ना किसी टीम में इसको भी डालना पड़ेगा। जिस टीम में डाला डायरेक्टली लिखने का, ऑब्जर्वेशन पाई इक्वल टू एस। ओके, तीन पाए थे एक किया, दो तुम्हारे भरोसे। चल होमवर्क अलग से मिलेगा ना, क्यों चिंता करते लिखते फटाफट चलो। समझ रहे ना, चैप्टर ऐसा है ना। ये आता है 6 मार्क्स और 7 मार्क्स। एक क्वेश्चन होता है फ्लो थ्रू पाइप का 6 मार्क्स, साथ में ये 7 मार्क्स, और में फिर से 6 और 7 मिक्स।
हुआ क्या पूरा? एग्जैक्ट आया कि कुछ करना करना पड़ा मैनिपुलेट? एग्जैक्ट आया ना? होमवर्क लिखते दो सम तीन करो ना यार, प्रैक्टिस सिंपल है तो उसको और सिंपल बनाओ, निगलेक्ट मत करो, है ना? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को निगलेक्ट करके तूने देखा ना क्या नतीजा हुआ? बराबर, तुमने कौन सा बहुत मेहनत किया था MP1 पढ़ने के लिए? एग्जाम के एक हफ्ते पहले तो तुमने बुक खुला रहेगा यार, एक हफ्ता भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 3 दिन पहले, और उसमें बैक आ रहा था, फिर बुरा क्यों लगता है तुमको? तुमने कौन सा बहुत एफर्ट डाला था उसमें, ठीक है? और जिसमें एफर्ट डाला था वो भी बैक लगा सॉम। लिखते दिसंबर 15 7 marks. The torque on a disc, the torque on a disc of diameter d depends on speed n, viscosity mu and density rho. लिखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन देख के बोल सकते हैं कितने पाई टर्म्स बनेंगे? 4। दूसरा सम, May 2013 8 marks. The pressure drop in a pipe of diameter D and length L depends on density rho, viscosity mu, velocity v, and height t. क्या? हाँ, टी हाइट बोला है तो डायमेंशन एल ही आएगा ना उसका। इसमें कितने पाई टर्म्स बनेंगे अभी? ये इधर 1, 2, 3, 4 चार में से दो तुमको मिलेंगे बाय ऑब्जर्वेशन। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एल बाय डी बाय ऑब्जर्वेशन मिलेगा और टी बाय डी भी बाय ऑब्जर्वेशन। चार में से 50% काम हो गया। क्लियर? ठीक है, दो सम तुमको होमवर्क के लिए।